सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक इन न्यू व्लॉग। तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों। तो जी अभी का सीन ये है कि अभी का सीन है कुछ भी नहीं है, चल जा पे आने का काम कर जा के। तो जी अभी का सीन ये है, अभी हम जा रहे हैं मंडी वगैरह कोई बकरा वगैरह लेने जा रहे हैं। बकरे हमने पहले चार लेनी है, शायद दो और लें और साथ वेड़ा भी लेना है, कुछ देखते हैं। और कोई अगर बर्गर बच्चा मेरा व्लॉग दे रहा है तो मैं बता दूं कि वेड़ा हम कहते हैं काऊ को और बकरा हम कहते हैं गोट को। लागी समझ, थैंक यू। तो जी अभी सारे भाई खाना खा रहे हैं, आज आपके बने रखा था रोजा। रोजा रहने के बाद अभी रोजा स्टार्ट किया, फिर पापा पहले यार थे लेकिन मैंने कहा पापा को काम है, मुझे भी साथ लेना है। फिर पापा कहने ठीक है, फिर आपके मैंने रोजा खोला। नीचे शौर भाई वगैरह भी आए हैं यार, काफी बार उनको आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा। तो जी अभी फिर सारे नीचे खाना खाने लग गए, फिर मैंने खाना खा के रोजा स्टार्ट करके फिर मेरे को ऊपर आ गया। मैंने कहा मैं जरा नहा लूं, कहता रेडी शेडी होके कोई परफ्यूम शरफ्यूम लगा के, आज चांद रात भी है कल ईद है, मैं कहा छोड़ दियो। तो जी आपको भाई रेडी हो गया, अभी नीचे जा रहा है भाई के पास, भाई वगैरह सर नीचे बैठे हैं, शौर भाई तैमूर भाई और मंडी जाने के लिए रेडी बैठे हैं, उनके पास जाना है उनके पास। तो जी अभी नीचे बैठ के हम जाने का प्लान बना रहे, पर जा नहीं रहे, अभी बैठ के ताश खेलने लग गए। हेलो, एक खेल दिया। तो जी हम गाड़ी में बैठ गए, ये हमारे शौर भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम शौर भाई। मैं नहीं आपको भाई। अच्छा इन्होंने मेरा नाम डाल दिया प्रो गेमर, थैंक यू। बहुत मसला हो रहा है सर, बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। आपका मतलब है नंबर से फिलहाल जवाब मुश्किल है। तो सोचिए हम यहाँ से भी अभी हम घर से बाहर हमारी सोचिए हम घर से बाहर निकल गए हैं, अभी हम मंडी की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे शौर भाई, अस्सलाम वालेकुम शौर भाई। वालेकुम सलाम, क्या है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कौन सी मंडी जाना है हमने? ओ यार लगेगा, आ लगेगा। वो जी हम पहुंच तो गए हैं यहाँ पे, इतनी देर के जलील हो रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई वेड़ा मिल ही नहीं रहा। दो ढाई ढाई लाख के रेट हैं, छट दियो भाई, तेज है मंडी। देख रहे कितने का ये वजन, कितने का? 3.5 नवा है ना, 3.5 लगता। कितने का कह रहे हैं, कितने का? 2.5 लाख। तो जी भी मैं आपको क्या हुआ, अभी हमने ना एक वेड़ा पसंद किया बड़ी मुश्किल से, मतलब अच्छा खासा अच्छे रेट का मिल रहा था, और यहाँ पे हमारे शौर भाई ने इसको उंगली की है। किधर है वो? पीछे आ रहा है, मतलब वो चेक कर रहा, कोई बीमारी मुमूरी तो नहीं है। उसने उसकी पूंछल पे हल्का सा नहीं, हाँ, उसको ऐसे करके उंगली दी है। नहीं नहीं, उसने उसकी पूंछल पे ना हल्का सा हाथ लगाया, मतलब कहीं घुमा दिया पकड़ के, तो मैं कहना छोड़ दियो, भागता ही गया वो जेड़े मालिक सी के वेड़े से पहले। ओ कोड़ दे गया उन्हें, अब वो सामने कहीं भाग है, और हालांकि उसकी नाक भी नहीं डली हुई थी। और जो अगर कोई बर्गर बच्चा मेरा व्लॉग देख रहा है, मैं बता दूं उसकी नाक में मतलब रस्सी नहीं थी। और देखो पीछे पीछे आ रहा है। और वैसे हालांकि वैसे मालिकों को पता नहीं है कि शॉर्ट पे ने मतलब उंगली उंगली वगैरह उनको कराई थी। सुजी हमने वेड़ा लिया है, तो वेड़ का रेट 2.5 हमने लिए, 81 का ये वाला वेड़ा। ये हमने तकरीबन लिए 1,80,000 का, इसका 2.35 मांग रहे थे, तो इसका 2.35 मांगा था, लेकिन हमने दिया इसका 1.5 लाख।
और हमारा से इरादा तो यही था कि इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, लेकिन मंडी का रेट भाई इतना तेज, मैं कहना छोड़ दो, मैं कहना साथ ही छोड़ दो। और जी रात का भी बज गया डेढ़ और ये वेड को छुड़ा रहे हैं, चढ़ ही नहीं रहे हैं इनको, क्यों जाने कितनी देर लग गई है। जी तो हमने इसको छुड़ा दिए वेड़े को, साथ इसके वेड़े के साथ साथ एक छतरा भी लिया दुम्बा। हेलो तुझे घर में बैठ गए, लेकिन हमारे ये भाई सो गए हैं, थक गया। ये भाई हमेशा सो जाते हैं ये भाई, वो बहुत सुस्ती होती है जब भी हम घर में बैठे होते हैं, कहीं ये भाई कहता है चले 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 चले, ये गलत गलत बात, गलत बात, गलत बात। और इस भाई की वजह से हम इसके आते हैं, इस भाई की वजह से हम इसके। तो जब घर के पास पहुंच गए ये उतार रहे हैं वो एक छतरा, ये चार बकरे हैं और सारी वेड़ा उतारने लगे हैं। हां जी चलो चलो स्लाइड सुजी घर आ गए हैं, हमने बकरे को पट्टे शटे डाल दिए, बकरे को भी डाल दिए, भेड़े को भी डाल दिए, साथ अब घर आ गए, बिल्कुल सुकून से खाना खाने लगे थे। इतना सर दर्द का था, मैं तो रोजा खोलने के लिए कुछ खाया नहीं था, घर आके बस एसी चलाया, ये भाई को बिठाया। तुझे भी रात के बज रहे तीन, फिर भूख कितनी ज़्यादा लगी हुई थी, मैं पहले जा रहा था कुछ बाहर खाने, क्योंकि हमारा पीछे एक है शॉर में, मतलब हमेशा रात लेट नाइट खुला रहता है, मेरी लेट नाइट ट्रेविंग का एक कोई जरिया है साथ, फिर उससे पहले ही घर वालों ने ये मंगवा के रखा हुआ था। ओए होए होए ये बाप को भाई के लिए खाएगा, इसके साथ खाएगा। Pull up on you like a Gen Z. Teta asrat manfi.